अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ कैरी का दुप्याज़ा, जिसके लिए गोश्त ली हूँ मैं। मटन है ये 150 ग्राम, 4 बड़े साइज़ के प्याज है। लाल मिर्ची पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, तेल लेंगे 3 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, 1 अदद कैरी लेंगे मीडियम साइज़ की है, कोथमीर लेंगे 2 बंच है, कोथमीर थोड़ा ज़्यादा लगती है इसमें, हरी मिर्ची है 2 से 3 अदद। चलिए शुरू करते हैं। कुकर में गोश्त और प्याज डालेंगे, नमक मिर्ची हल्दी डालेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, तेल डालेंगे, कोथमीर डालेंगे। इसमें 2 प्याजे में कोथमीर और प्याज थोड़ी ज़्यादा लगती, 1 बंच कोथमीर डाली हूँ मैं। इसे हम मिला लेंगे और 1/2 गिलास पानी डाल के इसे कुकर को चढ़ाएंगे गोश्त गलने के लिए। ये देखिए गोश्त गल गया, प्याज भी भुनेगी। अब मैं इसे एक खुले बर्तन में निकाल लूँगी, मैं एक खुले पैन में निकाल ली इसको। अभी हम इसमें कैरी डालेंगे, कैरी को मैं ऊपर का छिलका निकाल के ऐसे बारीक पीसेस कर ली हूँ। एक आधा कम ही लेंगे, 10 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कैरी भी गल जाती है इसमें। ये देखिए 10 मिनट हो गया, कैरी भी अच्छा गल गई। दुप्याजे में प्याज थोड़ी ज़्यादा है ना, अब हम इसमें कोथमीर डालेंगे। हरी मिर्ची डालेंगे काट के और एक 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे दम पे रख के गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, रिशॉर्ट कर लेंगे। ये देखिए कैरी का दुप्याजा बनके तैयार है, बहुत मज़े का बनता, जल्दी बनता। अब ये समर में कैरियाँ भूत रहती तो अक्सर समर में ही बनाते। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। अल्लाह हाफिज़।